हम आपके लिए लेकर आए हैं नई नई वैरायटी की मठरियाँ। आप इस टाइप की मठरी बनाकर जरूर खाएं। ये आगरा में तो बहुत फेमस है। आपके शहर में फेमस है या नहीं आप कमेंट करके बता सकते। तो मठरी बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी मूंग दाल, वो भी गीली मतलब भिगो के रखी हुई, और ये पीस लिए हमने और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ हम डालेंगे अजवाइन थोड़ा क्रश करके। और हींग से मठरी का टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो जब भी आप मठरी बनाएं तो हींग जरूर डालें। हींग से बहुत टेस्टी लगती है मठरी। अब आती है मोमन यानी कि रिफाइंड की बारी। हल्का सा मोमन डालेंगे जिससे कि खस्ता बने। अगर मोमन नहीं डालेंगे तो वो टाइट रहेगी और अच्छी नहीं लगेगी खाने में। और ऊपर से डालेंगे धनिया। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो मूंग दाल पिसी थी उसी में इस आटे को अच्छे से मार लेना है। और मैंने यहाँ पानी का यूज नहीं किया क्योंकि दाल ही इतनी पतली थी। और ये अच्छे से मैंने मार लिया है आटे को। और आटे को जैसे नॉर्मल रोटी का आटा मारते हैं उसी तरह से मारना है। टाइट नहीं करना है और ना ज्यादा पतला करना है। इस तरह से आटा को लगाना है। तो ये हमारा आटा अच्छे से मर चुका है मठरी का। अब इसको रेस्ट पर रख देंगे जिससे कि इससे मठरी अच्छी बने। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो ये हमने जो मठरी का आटा गूंदा था 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था और इससे हमने बना लिए ये लोइयां। अब हम बना रहे हैं छोटी वाली मठरी जो छोटे छोटे साइज की होती है बिल्कुल नॉर्मल। इसको बस इतना सा बेलेंगे और इसको दोनों साइड से इस तरह से गूथ लेंगे अच्छे से जिससे कि ये फूले ना। इनको इस तरह से मठरी की शेप देकर बेल कर हम इस तरह से रख लेंगे और सारी मठरियों को फिर सेक लेंगे। अब इन मठरियों को सेक लेंगे। इस तरह से चलाते हुए सेकेंगे। और ये नाश्ते में छोटी छोटी मठरियाँ लगाने में बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने नाश्ते के पर्पज से ये मठरियाँ तैयार की हैं। आपने बड़ी मठरियाँ तो डेफिनेटली खाई होंगी, आपने इतनी छोटी मठरियाँ नहीं खाई होंगी। इन छोटी मठरियों की खास बात यह है कि आप इनको सिकने के बाद इसके ऊपर हल्का मसाला और मिला सकते हैं तो ये बिल्कुल नमकीन वाला टेस्ट आएगा। तो ये हमारी मठरियाँ सिक कर रेडी।